जब तक जिंदा हूँ शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा, शहबाज शरीफ भागने की कोशिश कर रहे हैं वजीर आजम के शरीफ खानदान परिवार। हुकूमत जाती है तो जाए, चीनी माफिया को माफ नहीं करूंगा। चीनी के लिए तरसाने वालों को एनआरओ नहीं मिलेगा। जहांगीर तरीन से मुलाकात के सवाल पर कहा कि तरीन को बता दिया कि मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। इमरान खान लाइव ड्रामा बंद करें, मेरे साथ बाजार चलें। परेशान हाल शहरियों के मसाइल बताती हूँ। कॉल्स वज़ीर-ए-आज़म हाउस से ही कराई जाती हैं, लोग वैन में भरकर बाहर से लाए जाते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बड़ा दावा, कॉल्स ड्रामा नहीं तो मेरी कॉल सुने और उसे लाइव नशर करें। ईद मनाएं लेकिन एहतियात के साथ, एनसीओसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी। नमाज ईद कोरोना जवाबित के साथ खुली जगह पर अदा की जाए। मस्जिद या खुली जगह पर रश कम करने के लिए नमाज 2 से 3 बार पढ़ाएं। बीमार, बुजुर्ग या 15 साल से कम उम्र अफराद मस्जिद आने से गुरेज करें। ईद का खुतबा मुख्तसर रखने की दरख्वास्त। गले मिलने और मुसाफिर से भी परहेज करें। 40 साल से कम उम्र अफराद में कोरोना से अमवात बढ़ने लगी, एहतियात ना की तो हालात खराब हो सकते हैं। असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना वायरस मुल्क में मजीद 113 जाने ले गया। 3084 नए मरीज रिपोर्ट, मुस्बत केसेस के शरह 8% रही। कुवैत ने भी पाकिस्तान से परवाजों पर पाबंदी लगा दी। लिखी है वज़ीर आज़म सऊदी अरब से ज़कात और फितराने के अलावा क्या लाए, बिलावल भुट्टो ने सवाल उठा दिया। क्या इमरान खान की जद्दोजहद एटमी मुल्क को ज़कात के लायक बनाने के लिए थी? खुदा किसी को ऐसे जद्दोजहद की तौफीक ना दे। वज़ीर आज़म तब्दीली के सुनामी से कयामत बर्पा कर चुके हैं। हुकूमत ने हुदैबिया केस में नए हकायक सामने लाने का दावा कर दिया। फवाद चौधरी ने एक दर्जन से ज्यादा ट्वीट में हुदैबिया केस की कहानी बयान कर दी। कहा नए हकायक पर नई तफ्तीश होगी, ये 125 अरब के फ्रॉड और पैनामा केस से बड़ी कहानी है। उम्मीद है अदलिया शरीफ फैमिली के मोविन जजेस के खिलाफ एक्शन। शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने का फैसला कल होगा। नैब की दरख्वास्त वजारत दाखिला को मौसूल। नैब अपोजिशन लीडर की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर करेगा। नैब प्रोसिक्यूशन टीम की अपील दायर करने के लिए तैयारी शुरू। बलोचिस्तान में तब्दीली का शोर, वजीर आला जाम कमाल और स्पीकर अब्दुल कुदूस बजिंजो आमने सामने आ गए। स्पीकर ने जाम कमाल के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। वजीर आला के खत पर कानूनी माहरीन से मुशावरत, ईद के बाद जवाबी खत लिखने का फैसला। सिंध काबीना ने सरकारी मुलाजमीन का रिकॉर्ड तलब करने के लिए नैब खत को गैर कानूनी करार दे दिया। नैब के खत की जबान गुस्सा दिलाने वाली थी, ये नैब का दायरा अख्तियार नहीं, चेयरमैन नैब तहकीकात करें। काबीना ने कराची के तमाम नालों की सफाई की मंजूरी दे दी। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में तब्दीली और घपले, वजीर आजम को इंक्वायरी रिपोर्ट मौसूल होने के बाद उखाड़ पिछाड़। डेप्यूटी कमिश्नर रावलपिंडी ओहदे से फारिग। डेप्यूटी कमिश्नर अटक अली कमर को भी OSP बना दिया गया। रिंग रोड मंसूबे में तब्दीली के बाद हाउसिंग सोसाइटी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की। बादल भी ईद मनाने आएंगे, महकमा मौसमियात ने चांद रात से बादलों की एंट्री की खुशखबरी सुना दी। जुमेरात से इतवार तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई।